नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है और तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी में वो शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में उन्होंने टीएमसी की सदस्यता ली और ये बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। आपको याद होगा, जब अभी हाल ही में कैबिनेट का विस्तार हुआ था, उस वक्त बाबुल सुप्रियो को उनके पद से हटा दिया गया था। कयास ये लगाए जा रहे थे कि वो तभी से पार्टी से नाराज चल रहे थे और इसका अंदाजा उस वक्त लग गया था जब बाबुल सुप्रियो ने ऐलान कर दिया था कि वो राजनीति से ही संन्यास ले लेंगे। लेकिन कुछ महीने शांत बैठने के बाद अब एक बड़ा झटका बीजेपी को देते हुए बाबुल सुप्रियो ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है और टीएमसी को ज्वाइन कर लिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है टीएमसी के लिए, क्योंकि आपको याद होगा अभी जब वेस्ट बंगाल में चुनाव हुए थे, उस वक्त चुनाव लड़ा था बीजेपी की तरफ से बाबुल सुप्रियो ने, लेकिन अफसोस वो हार गए थे। और ऐसा हो सकता है कि टीएमसी ने जिस तरीके से शानदार जीत वेस्ट बंगाल में दर्ज की थी, उसका असर अब बाबुल सुप्रियो पर पड़ता हुआ दिख रहा है। यही वजह है कि उन्होंने टीएमसी का दामन थामने में भलाई समझी है। खैर, अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं और इसको लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से तो फिलहाल इस पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन इंतजार रहेगा, बहुत जल्द इस पर टीका टिप्पणी होने वाली है और साथ ही साथ विपक्षियों को भी मौका मिल जाएगा बाबुल सुप्रियो के बहाने बीजेपी पर निशाना साधने का। जो भी अपडेट इस पूरी खबर पर आती रहेगी, आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।